जय हिंद एवरीवन, मैं हूं आपका आजाद सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एट मेजर कलसी क्लासेस। जैसा कि सबको पता है कि भाई एयरफोर्स का जो है फेज़ वन का एग्ज़ामिनेशन ओवर हो चुका है। सारे बच्चे हमारे जो है हिंदुस्तान के जिन्होंने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया, फेज़ वन के रिज़ल्ट की तैयारी का मतलब रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा भैया, रिज़ल्ट कब आएगा। अरे रिज़ल्ट आने वाला है, उसके लिए परेशान ना हूँ। रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आपका पॉजिटिव आएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हाँ, बात आती है अब कि भैया देखो, फेज़ वन क्लियर करने के बाद आपका जो दूसरा पड़ाव है दैट इज़ फेज़ टू। अब फेज़ टू में क्या होता है बताया जाता है भाई, फेज़ टू में आपका जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन, फिर आपका जो है पीएफटी होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, मेडिकल होता है, कई उसमें भी कई सारे स्टेप्स हैं। तो जिन बच्चों का फेज़ वन क्लियर हो गया उनके लिए एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा फेज़ टू के लिए। तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ कि भाई जो बच्चे फेज़ टू में आ रहे हैं जिनका फेज़ वन क्लियर हो चुका है तो क्या सिस्टम क्या है, क्या करना है आपको फेज़ टू में, क्या करें आपकी फ़ेज़ टू में एकदम आप छलांग लगा दें और उसमें कोई रुकावट ना आने पाए, तो वही कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने आया हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया कि भाई इंडियन एयरफोर्स इनटेक 2025 फर्स्ट, इनटेक फर्स्ट की बात हो रही है 2025 की, जिसका कि अभी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, जिसका कि रिज़ल्ट आउट होने वाला है बहुत जल्दी। इसमें फ़ेज़ टू में आपको क्या करना है, फ़ेज़ टू तो फेज़ वन में तो मान लीजिए आपको कुछ बताने नहीं है, फ़ेज़ टू चलो देखते हैं भैया। फ़ेज़ टू ये देखो भैया, देखो फ़ेज़ टू में बहुत सारे बच्चे जो डरते हैं जीडी से कि भाई जीडी में क्या होगा क्या नहीं, बिल्कुल परेशान ना हो। जीडी के लिए जो हमारी जो संस्था है मेजर कलसी क्लासेस, आप थोड़ा सा वक्त निकाल के यहाँ पर आ जाएं जीडी के लिए, सारा भय सारी समस्या सब कुछ दूर कर दूंगा मैं, ठीक है। कोई बच्चा जो फेज़ टू यहाँ से किया तो फेज़ टू में मैं गारंटी लेता हूँ कि उसको मतलब पास होना ही होना है। चलो जीडी में होता है कि एक्चुअल में जीडी में जब बच्चा जाता है तो उसमें एक ग्रुप बनाया जाता है, कभी 15 का, कभी 17 का, कभी 10 का, और वहाँ पर आपको जो है एक टॉपिक चाहे आरडीओ में आपको सुनाया जाता है, या एक टॉपिक दो तीन पैराग्राफ होते हैं उसको ऑफिसर आके उसको रीड करता है, आप अटेंटिवली उसको लिसन करते हो, या हो सकता है पहले होता था कि पैसेज आपको हैंड ओवर किया जाता था उसको आप सेल्फ रीड करते थे, फिर आपको समझना होता कि भाई ये जो पैसेज पढ़ा गया किसी के द्वारा या जो आपने खुद पढ़ा ये किस टॉपिक पर है, उसी टॉपिक को समझ के बाद में उसी पर आपको जीडी करना होता है, ग्रुप में डिस्कशन करना होता है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे जो वहाँ पर टॉपिक्स मिलते हैं वो जनरली हमारे यहाँ तो उसको पहले ही बता दिया जाता है भैया इतने टॉपिक्स हैं और इसी में से कोई ना कोई टॉपिक आपको मिलने वाला है। बच्चे बताते हैं कि सर जो टॉपिक यहाँ पर करवाया गया तो वही एज इट इज़ वहाँ पर मुझे मिल गया। तो चलिए मैं कुछ आपको टॉपिक्स बता देता हूँ कि कुछ हमारे टॉपिक्स हैं जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। ये कुछ टॉपिक्स के नाम हैं, ठीक है, जिस पर आपका वो पैसेज बेस्ड होता है जिस पर आपको जीडी करनी होती है। जैसे मान लीजिए स्मार्टफोन्स टॉपिक हो गया कि इस पर आपको बोलना है भाई, इस पर आपकी जीडी होनी है। वीमेन एम्पावरमेंट हो गया, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट जानते हो आप लोग, करप्शन हो गया, ओल्ड एज होम हो गया, इसराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ऑफलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑनलाइन एजुकेशन, प्रोस एंड कॉन्स इसके दोनों पहलू, प्रिंट मीडिया वर्सेस डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, ई लर्निंग वर्सेस क्लासरूम स्टडी, ये सब टॉपिक्स हैं। इसी टॉपिक्स पर आपको पैसेज दिया जाता है, वहाँ पर कभी कभी ऑडियो स्टार्ट कर देते हैं उसको सुनो या ऑफिसर इसको रीड करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन सोसाइटी, कास्ट रिजर्वेशन, सब आपके टॉपिक्स हैं, इन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड होता है आपका पैसेज। सेक्स एजुकेशन फॉर माइनर्स, ज्वाइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली, ग्लोबल वार्मिंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्सेस गवर्नमेंट जॉब्स, कैशलेस इकॉनमी, वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पॉल्यूशन,
एव टीजिंग, एव टीजिंग। अब देखिए इतने टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हो सकता है कि इसी में से आपको आपके जो फेज टू आपका जो कंडक्ट होगा अभी हाल फिलहाल में, जब अभी रिजल्ट आने दीजिए, इसी में से आपको टॉपिक मिल जाएगा, पक्का बता रहा हूँ मैं। और इस पर हम लोग क्या करते हैं अपने यहाँ बच्चों को बढ़िया जीडी करवाते हैं, जो बच्चे के अंदर डर रहता है वो सब लगभग सब निकाल देते हैं, कि बच्चा कहता है आके एकदम धड़ाधड़ बोलता है वो। तो भैया ये तो हो गए कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फेज टू के। अब आते हैं भैया नेक्स्ट, जब आपकी जीडी वहाँ पर स्टार्ट हो जाए तो उस समय आपको क्या चीज़ें करनी हैं क्या चीज़ें नहीं करनी हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ देखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा भाई डूज, डूज मतलब कि इसको आपको करना चाहिए, इन चीज़ों को करेंगे तो आप पॉजिटिव वे में जा रहे हैं, फिर आप जो है अच्छे रास्ते पर अच्छे ट्रैक पर हैं। क्या करना है, बी पोलाइट। आप जब बैठें तो आपके बैठने का तरीका, आपके बोलने का सलीका, ये क्या हो, बहुत ही पोलाइट हो, बहुत ही क्या हो, बहुत उदारतापूर्वक पोलाइट। बी अ एक्टिव लिसनर। अगर कोई दूसरा स्टूडेंट अपनी बात को रख रहा है तो आप उसकी बात को बहुत अटेंटिवली लिसन करें, क्यों क्या बोल रहा है बच्चा, ठीक है, ध्यान से सुने आप उसको, यानी कि बी अ एक्टिव लिसनर। बी लॉजिकल एंड कोहरेंट इन योर अप्रोच। आप जब भी अपनी बात को रखें, अपने पॉइंट्स को जब भी रखें उस जीडी में, तो आपके जो आपकी जो बातें हों उसका अप्रोच क्या हो वो बहुत स्पष्ट रखें, बातें बहुत स्पष्ट, सामने वाला आपकी बात को समझ जाए, क्या हो भाई, कोहरेंट हो, मतलब कि बहुत चीज़ें रिलीवेंट हों, टॉपिक से रिलेटेड हों और बहुत ही स्पष्ट हों, बहुत क्लियर हों और बहुत लॉजिकल हों, आपके द्वारा रखे गए पॉइंट्स लॉजिकल हों, जो आपको मतलब कॉम्प्रिहेंशन मिला है, जो टॉपिक मिला है उसी से रिलेटेड हों और बहुत ही लॉजिकल हों। मॉड्यूलेट द वॉल्यूम पिच एंड टोन। अपनी बातों को जैसा आपको लगता है उसमें उतार चढ़ाव करें, बहुत तेज़ आवाज़ में ना बोलें, बहुत स्लो आवाज़ में ना बोलें, जहाँ पर जिस शब्द को जैसे प्रोनाउंस करना है उसी हिसाब से एक तारतम्यता के साथ में बोलें। कोट फैक्चुअली राइट इन्फॉर्मेशन। आप अगर किसी भी फैक्ट को वहाँ पे, किसी भी फैक्ट को वहाँ पे आप या किसी इन्फॉर्मेशन को कोट करना चाहते हो तो वो जो आपका फैक्ट हो, जो आपकी इन्फॉर्मेशन हो, वो बहुत राइट होनी चाहिए, बहुत एग्जैक्ट होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए वो। इन चीज़ों को अगर आप करते हैं तो जीडी में आप मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा माना जाएगा। अब देखो क्या नहीं करना है आपको, डोंट मतलब क्या नहीं करना है। अब देखें, बीइंग शाई आर नर्वस। आप वहाँ पर शर्माएं नहीं, वहाँ पर आप क्या करें, शर्माएं नहीं, शर्माएंगे तो नेगेटिव माना जाएगा। आपको शर्माना नहीं है, आपको नर्वस नहीं होना है, पता लगा कि आप पसीने से तर हो रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है, नो नो दिस इज़ नॉट गुड। इंटरप्टिंग अदर्स। कोई सेकंड अगर कैंडिडेट अपने पॉइंट्स को रख रहा है तो उसकी बात को इंटरप्ट ना करें, बीच में किसी के ज़बरदस्ती टांग ना अड़ाएं। एक आदमी बोल रहा है तो उसको लेट हिम स्पीक, उसको बोलने दीजिए, आफ्टर दैट यू विल ऑल्सो गेट टाइम, आपको भी समय मिलेगा। तो इंटरप्शन वाली आदत ना हो। बीइंग अग्रेसिव। अगर कोई बच्चा, कोई कैंडिडेट अपनी बात को रख रहा है, आपको लग रहा है कि ये मेरी बात को काट रहा है, तो वहाँ पर आप अग्रेसिव ना हो, बहुत उतावले ना हो, बहुत एक्साइटेड ना हो जाएं, बहुत जोश में ना आ जाएं, गर्मी गर्मा ना हो जाए, मतलब एकदम बी पोलाइट, एकदम कूल रहें आप। कोई नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बीइंग कैजुअल, एकदम कैजुअल रहें आप, एकदम फॉर्मल मतलब कैजुअल रहें आप, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि बैठे हैं तो बैठने का तरीका नहीं है, बोल रहे हैं तो पैंट में जो है पॉकेट में हाथ डाले हुए हैं, आसमान पे देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, नहीं, कैजुअली बोलें आप। वहाँ पर आपका हर तरीका, खड़े होने का, बैठने का, बोलने का, किसी से रूबरू होने का, बड़ा कैजुअल हो, बड़ा ही फॉर्मल हो।
ट्राई टू गेट यू टर्न। अच्छा, आप कुछ बातों का और ख्याल रखें। पहली बात तो आप अपने टर्न पर ही बोलें। दूसरी बात, आप जो है अगर आपने कोई स्टेटमेंट दिया तो पहली बात तो बहुत सोच समझकर अपने पॉइंट को रखा जाए। अपने ही बातों को आप क्या ना करें, काटें नहीं। एक बार आपने कुछ बोल दिया फिर उसी को आप अपनी बात को ही काट रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा अपनी ही बात को आप जो है काट रहे हैं, गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी हैं। आगे देखते हैं भाई, आप देखिए, फिलहाल तो जब फेज़ टू आपका स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपका फिजिकल ही होता है, जीडी तो बाद में होता है। अब बात रही यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु फेज़ टू में पीएफटी, जिसका मतलब होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल। अगर आप फिजिकली पास हो गए फिर जीडी सेकंड वाला पॉइंट होता है, सेकंड फेज़, उसमें थर्ड होता है आपका मेडिकल। अब भैया मैं आपको बता दूँ, बात चाहे आपकी पीएफटी की हो, फिजिकल फिटनेस टेस्ट की हो, बात चाहे ग्रुप डिस्कशन की हो, फिलहाल अब तो आपका एसआरटी आउट हो गया है। अब इस बार देखो होता है कि नहीं होता, बड़ा मुश्किल है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में बोलते हैं एसआरटी, बात एसआरटी की हो या बात मेडिकल चेकअप की हो। हिंदुस्तान का एकमात्र ये इकलौता इंस्टीट्यूट है हमारा मेजर कल्सी क्लासेज, जिसके पास अपनी पूरी व्यवस्थाएँ हैं बच्चों का पीएफटी कराने के लिए। अपना खुद का पर्सनल ग्राउंड हमारे आदरणीय डायरेक्टर साहब ने उसको ख़रीद लिया है। अपना खुद का हॉस्पिटल है कि अगर आप मेडिकल में जा रहे हैं तो प्री मेडिकल आप करा लें, जिससे कि आप एकदम श्योर रहें कि भैया हम इंटरनली एकदम फिट हैं। आपको अगर मेडिकल चेकअप कराना है, प्री मेडिकल हिंदुस्तान में एकमात्र अपना हॉस्पिटल है मेजर कल्सी हॉस्पिटल। फिटनेस के लिए आप भले ही, हो सकता है कि अभी तक आप पढ़ाई पर फोकस्ड रहे हों, आप फिज़िकली उतने अच्छे ना हों, डर है, आ जाएं यहाँ पर आप मेजर कल्सी क्लासेज प्रयागराज में। एकमात्र ब्रांच, एकमात्र संस्था जिसके पास अपना ग्राउंड है, आपको दौड़ा के आपको हर काम करवा के आपको एकदम लोहा बना दिया जाएगा। ना फिजिकल में दिक्कत होगी, ना ग्रुप डिस्कशन में दिक्कत होगी। ज़बरदस्त हम लोग क्या कराते हैं भैया, यहाँ पर जीडी कराते हैं। एक से एक कमज़ोर बच्चा अगर यहाँ पर आकर जीडी किया, फ्रॉम बिगनिंग टू एंड मेरे साथ में स्टे किया, तो आप समझ लीजिए फेज़ टू उसका रुकने वाला नहीं है किसी भी कीमत पर, जान लीजिए आप। अब देखें, अच्छा मान लीजिए आप दूर हैं, यहाँ आने से पहले आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको दिया जा रहा है कि ये टॉल फ्री नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज योर नंबर 9696330033। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके जो है जो भी आपको जानकारी चाहिए फीस से रिलेटेड और भी जो भी आपकी क्वेरीज हो आप पूछ सकते हैं। इस नंबर पर तुरंत आपको जो है सारी जानकारियां दी जाएंगी। चलें भाई अगला देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो है ग्राउंड है, यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी कराई जाती है। एमकेसी का अपना ग्राउंड है, ऐसा नहीं है भैया पता लगा कि यार हम लोग फिजिकल कराना चाहते हैं ग्राउंड नहीं खाली है, नहीं ऐसा नहीं है। हमारे जो संस्था के, हम सब के जो आदरणीय डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने सारी व्यवस्था सब अलग कर दी यार, कि सब मेरा, मतलब वहाँ कोई और दूसरा जाएगा नहीं। ये अपना ग्राउंड है, आप देख रहे हैं हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, देखिए इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो अगर आपको ये जो है पीएफटी के लिए क्लास लेनी है तो आप आ जाएं पीएफटी के लिए। आपको जीडी, पीएफटी, मेडिकल, यानी फेज़ टू में जितनी एक्टिविटीज़ होनी हैं या होती हैं सब के लिए आपको यहाँ पर ट्रेंड किया जाएगा एक बहुत ही एक्सपर्ट्स के द्वारा। अब देखें हमारा ग्राउंड, देखिए हमारे आदरणीय डायरेक्टर साहब खड़े हुए हैं, देखिए आगे देखें, यहाँ पर देखिए फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। ये आपका क्लास है जीडी का जो हम लोग कराते हैं, यहाँ पर जीडी के क्लासेज यहाँ पर रखी गई हैं। ये सब जीडी है, जब हमारे जो ये पहले के बच्चे जो जीडी क्वालिफाई किए हैं आज जो है सर्विस कर रहे हैं, ये भी सब जीडी है ग्रुप, मतलब ज़बरदस्त जीडी कराया जाता है। सारे सेक्शन यहाँ पर स्ट्रांग होते हैं, उसमें ऐसा नहीं कि भाई एक चीज़ अच्छा होता है। आप देखिए, अच्छा मेडिकल में मैं आपको बताऊँ,
इतनी चीज़ों का मेडिकल होता है कि बहुत हॉस्पिटल वालों को तो पता नहीं। अगर आप उनसे बोलिए सर मेरा एयरफोर्स का मेडिकल होना है, मेरा प्री मेडिकल कर दीजिए, अब उनको यही नहीं पता कि मेडिकल होता किस चीज़ का है। हमारे यहाँ क्या है ना कि जो रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड जो डॉक्टर्स हैं आर्मी के एक्सपर्ट, उनको रखा जाता है, उनको सब पता है कि भाई अगर आप एयरफोर्स में जा रहे हो तो किन किन चीज़ों का मेडिकल चेकअप होता है। तो ऑर्गेनाइज्ड वे में देखिए आप, ये इतने सही है, ये हमारा जो है हॉस्पिटल है मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर के नाम से। मेजर कलसी जो हमारी दूर पर है, यहाँ पर जितने भी मेडिकल चेकअप होते हैं, देखिए सारा ए टू जेड आपको दिखाई पड़ रहा हो, ये हमारे ही हॉस्पिटल में ये अलग अलग बच्चों का अलग अलग चेकअप किया जा रहा है। अब फेज़ टू मैंने आपको बता दिया, जिन बच्चों का फेज़ वन निकलने वाला है, ईश्वर करे कि आप सभी का फेज़ वन क्वालिफाई हो जाए, ज़बरदस्त तरीके से